किधर जा रहा है भाई? हम जा रहे हैं गिलगित। हम हजारा मोटरवे पूरी कर चुके हैं, तकरीबन 5 बज चुके हैं, घंटे में हम इधर आ चुके हैं। तो आगे जाएंगे, अभी मोटरवे क्रॉस कर ली हमने बालाकोट, बालाकोट से होते हुए नारायण से बाबू सटाप और आगे फिर इंशाल्लाह गिलगित नॉर्थ। यहाँ से ऊपर शोकरा जाते हैं। अच्छा चाणक होटल पारस इस साइड पे सामने जो ऊपर टावर वगैरह ट्रैक नजर आ रहा है, ये सब जा रहा है रास्ता शाहरान के लिए। तो यहाँ पे भी हम लोग नाश्ता करेंगे। तो हाँ जी, कैसा चल रहा सफर अभी तक? सफर बेहतरीन, जबरदस्त। यस, कैसा एक्सपीरियंस है? कोई उल्टी शुल्टी तो नहीं आ रही? उल्टी नहीं आ रही, सीधी आ रही। सीधी सीधी हो गई, सारी उल्टी सीधी हो गई है। उल्टा सीधा हो गया? इतनी जल्दी नहीं करना उल्टा सीधा। रुको। हाँ जी कामी भाई। जी जी, कैसा चल रहा अभी तक? ये काटो ना यार। यार सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अमीन जो है ना, अमीन को नाश्ता याद आ गया। अमीन को ऐसा नाश्ता याद आया कि रुक गए। तो अभी हम नाश्ता करेंगे और फिर गाड़ी बंद है, लॉक है। नारायण से पहले जो है आखिरी आबशार कह ले पानी की क्रॉसिंग, ये ग्लेशियर भी था। पानी के चश्मे बाईपास पे हम पहुंचे नारायण बाईपास। आखिरकार हम लोग मेन रेस्टोरेंट मिल ही गया कि पहुँच चुके हैं नारायण मेन बाज़ार में, दूसरा बेसल में। तो बाज़ार के अंदर काफ़ी फिलहाल रश है, पूरा राजा बाज़ार बना हुआ है। रास्ता जो है बंद किया हुआ है जीपो वालों ने, उन्होंने जो लोकल यहाँ के ड्राइवर हैं, अगर रास्ता बंद भी हो तो इस साइड से गाड़ी लेके आगे पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से रास्ता बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाता है। तो जो विजिटर होते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है उस वजह से। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, 3 बारी कहना चाहिए से। कामी भाई क्या कहेंगे आप? ये वाली भाई आज काफ़ी अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं। ये अली भाई जो है ये सुबह आज अल्लाह को बहुत याद कर रहे हैं, और अमीन भाई ने भी मुँह बना लिया है, उनको भी अम्मी याद आ रही है। अमीन भाई की तबीयत खराब हो रही है, अम्मी याद आ रही है मुझे लग रहा है। नहीं, पहले ही अमेरिका में रहते थे, फिर ये वापस हो गए। गुड यार, फिर आपको कैसा महसूस हो रहा है दोबारा इस्लामाबाद पाकिस्तान में आके? पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत एरिया में आप इस टाइम फिर रहे हैं। मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे था, इस्तांबुल। उससे पहले वापसी कब हुई फिर? अभी को 2-4 दिन पहले। हाय वेरी गुड यार, चलो अल्लाह की मर्जी यार, ठीक है। ये सैफुल मलूक होटल है, सैफुल मलूक होटल के राइट साइड पे जहाँ से कोस्टर मुड़ गई है सीधा रास्ता चला जाएगा सैफुल मलूक लेक के लिए लाहौर में। क्या नाम है? सैफुल मलूक के होटल में हम बहुत अरसा पहले एक बार आए थे, जब ये बिल्कुल सिंगल था, 3-4 कमरे थे सिर्फ।
अभी ये पूरा यहाँ पे आके ये बाईपास वाले लोग भी यहाँ से आके मिल जाएंगे। और यहाँ पे पेटेडीसी है जो कि फ़िलहाल बंद है, बट कुंडी यहाँ से 14 किलोमीटर है। ये रहा पीटीडीसी। पीटीडीसी इंतहाई खूबसूरत लोकेशन पे है, इसके जो हट वगैरह है, व्यू जो है वो बिल्कुल पानी के साथ है। पीछे बाबूसर टॉप जब आप जाएंगे तो आप नारायण से बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको काफ़ी गाड़ियाँ पार्किंग वगैरह मिलेगी, उसके अंदर लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। ये दिखाओ जरा उस साइड से, ये बोट्स खड़ी हैं, ये देखिए ये रिवर राफ्टिंग के लिए बोट्स खड़ी हैं। यहाँ से बैठते हैं और वो अगले पॉइंट से जाते हैं। सबसे जो मज़े की बेहतरीन चीज़ ये है कि पूरी वादी आपको जो है ना वो आपकी पूरी आंख से जो है मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं। इसके अंदर स्पेशलिटी ये है कि ऊपर सर सब जो शादाब पहाड़ जिनको बादलों ने ढपा हुआ है बर्फ़ के साथ, वो सारा साल ढांपे रहते हैं और नीचे आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत दिलकश मनाजर हैं। ये मनाजर जो हैं बस ये वो हैं कि जिनको देख के आपको यकीन हो जाता है कि आप वाकई दुनिया के लकी तरीन इंसानों में शामिल हैं जो इस वक्त इन मनाजर को अपनी आँखों से देख रहे हैं, जिंदा आँखों से देख रहे हैं। और एक और चीज़ आपको जो बताएं, यहाँ पे आके जो है ना वो सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और आपने जब भी आना है यहाँ पे अपना कंबल बंदोबस्त करके आना है, जैसे कि मैं दो चादरें लेके मंगी के जरिए तो मैं दसवा ये जी बेसल मून रेस्टोरेंट आखिर मिल ही गया, क्योंकि इसकी जो चैकिंग है वो बहुत दूर से हुई हुई होती है और आखिरकार हम इधर पहुंच ही गए। तो ये रहा खूबसूरत, आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है, बारिश हुई है पर मैं भी रात में हुई है, अभी नहीं हुई थी। तो कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप हो जाती है, वो ऊपर तक आपको जानवर नज़र आ रहे होंगे पहाड़ के ऊपर फेर रहे। इसी तरह भी ये जीप ट्रैक है, इसी इस इधर भी बैक साइड पे भी है कोई लेक से। जी भाई कहाँ पहुँचे हैं हम लोग?
वो रेस्टोरेंट जिसके बारे में कहते हैं आखिरकार हालात टाइट है, हालात टाइट नहीं होने चाहिए, जो हम आदमी है तो फिट होना चाहिए तुझे। हमने तो बड़ी कोशिश की कि इनको फिट रखा जाए, इनको फिट रखा जाए, रास्ते 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 में एंटरटेनमेंट कराई जाए, पर बाज लोग जो नया सफ़र करते हैं, पहली बार सफ़र करते हैं, तो उनके लिए होता है काफ़ी मसले मसाइल। ये इंतहाई ज़बरदस्त मौसम है फ़िलहाल तो, यहाँ पर कभी बादल आ रहे हैं, कभी धूप हो रही है, इंजॉय कर रहे हैं हम लोग भी। बाकी आके बाबूसर टॉप की तरफ चलते हैं, पतंगबाजी भी हो रही है, तो